और आज देश भर में बीजेपी काला दिवस मना रही है। दरअसल आज ही के दिन 1975 में आपातकाल लगाया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, और उसी के विरोध में आज देश भर में ब्लैक डे मना रही है बीजेपी। 29 राज्यों में बीजेपी के 29 बड़े नेता इमरजेंसी का यानी कि आपातकाल का विरोध करेंगे और ब्लैक डे मनाएंगे। तो ऐसे में अब अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों समेत पार्टी के कई बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। राहुल डबास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राहुल, 4 साल पूरे होने को हैं अब केंद्र सरकार के, अब उसे आपातकाल की याद आई है, तो किस तरह से काला दिवस आज मना रही है बीजेपी और 19 से पहले किस तरह का कदम है? देखिए, मोरारजी देसाई ने विरोध करते हैं और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी, उसकी वर्षगांठ के तौर पर आज ब्लैक डे मना रही है बीजेपी। और सभी राज्यों में बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है, चाहे वरिष्ठ मंत्री हो चाहे सांसद हो, उन्हें बोला गया है कि वो जाएं और जनता के सामने बताएं कि वाकई जो आज सहिष्णुता की बात करते हैं और डेमोक्रेसी की हत्या की बात आज कांग्रेस करती है, बीजेपी के ऊपर नजर आती है, उसका अपना इतिहास कैसा रहा है। जबकि कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनके प्रवक्ताओं की तरफ से, उनका ये कहना है कि 4 साल बीजेपी सरकार को बने हो चुके हैं, जनता से जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने में नाकाम रही है और अपनी खामियों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए ब्लैक डे मनाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर चुनावी माहौल आ गया है, अंतिम साल है बीजेपी का, मोदी सरकार का, तो वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, ईवीएम का मामला हो, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र की हत्या को लेकर कितना विशाल रहा है। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।